खाएंगे आज हम बाश खाएंगे। बाश बाश के मान गए वो दीदार और ये आटा पानी दीदार और आटा पानी इधर लो भी ए माजर तो ए ए लास्ट तो लो हाँ हो जाओ हो जाएगा यार जुंगा तो भीतर दिए फूटी ना जाबो আপি গিলো ডিম নেকি পুতি নিদি মারো না হয় হাওয়া পি পালে जितना भी खाए भूखा ही रहता है। भैया आज क्या बनेगा? आज तो सिंगा के साथ बांस बनेगा। बांस जिंदगी में बहुत बांस खाया रे बाबा, आज मैं खाएगा ये वाला बांस। इसको हम तैयार है, ठीक है? इसको काटने के लिए आप तैयार है? यस। ना भराने के लिए? नहीं भराऊंगा बाद में, लेकिन अभी थोड़ा काटने तो दो भाई। ठीक है काटो भाई। भैया ये बांस असम में क्या क्या तरीके से दे रहा है भाई? सब लोग तो रेडी ही रहता है। को थोड़ा नमक डालना है। नमक क्यों डालना है भाई? नमक डालने का फायदा क्या है? नमक आदमी तभी डालता है जब काटता है, क्यों बताओ? जब किसी का कोई दर्द होता है वहां में जाके नमक डालता है आदमी। हम भी इसको काटा फिर नमक डाल रहा है। क्या बात बोला है भाई, सच सच है भाई। देखो इसको हरे पत्ते धनिया बोलता है, इसको बोलता है प्याज, इसको बोलता है झींगा, झींगा मछली झींगा, और इसको बोलता है वो लगाने के लिए बहुत खराब होता है, यही है। मत बोलो। तो भैया मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, गाली गलौज मत दो। कमेंट में चाहिए आप थोड़ा हिंदी बता दो, हम सीख देगा। ठीक है तो दोस्तों मोटा मोटी हो गया, अभी शुरू होगा। इस तो वीडियो और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, प्लीज दोस्तों अभी अभी सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए प्लीज। ये हो गया गैस बाबा, इसका बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। इसका भाव कभी भी भर सकता है, अगर बारिश हुआ तो इसका भाव भर गया, अगर बार हुआ इसका भाव बढ़ गया, अगर कहीं में रास्ता टूट गया तो इसका भाव बढ़ गया, क्योंकि ब्लैक में खरीदना पड़ता है। कोई भी आंटी को पोसो इसका क्या भाव है बोल देगा अच्छा से, ठीक है ना? इसको दे के थोड़ा पिसोल कर लेंगे पहले, उसका बाद सबको दे देंगे, ठीक है ना? और इसको जो है ना आप काटने से रो भी सकता है, यही एक करिश्मा है। ये हो गया नमक, ये पानी में जाने से गल जाता है, लेकिन इसको टाटा बोलता है। नॉर्मली थोड़ा फ्राई हो गया, हम अभी थोड़ा टाटा को दे देंगे, उसका बाद देंगे ये फिश मसाला। नहीं देने से भी चलता है, लेकिन इसका जो है बाजार में ऐसे कंपनी निकाल दिया, नहीं खाने से भी कंपनी नाराज होता है इसलिए खाता है। इसको देखो एकदम बेकार है ये हरा भी दे रहा है, ये पाउडर भी दे रहा है, क्या करो यार, ये दुनिया का कानून हो गया। और ये तो जलाएगा ना, इसको देना ही पड़ेगा। और ये जो चीज है ये बहुत कीमती वाला चीज है ना भैया, इसको अगर तुम एक बार शरीर में लिपटा लिया ना तो समझो उस दिन से तुम्हारा कोई नींद हराम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा बीबी आने वाला है ना। ऐसे बात सुनते रहिए और वीडियो देखते रहिए, ठीक है ना? इसको थोड़ा फ्राई करेंगे, दो मिनट वेट कीजिए। है दोस्तों इसको हम पिछला कर लिया, अभी बाहर भराएंगे इसमें। इसको देखिए कैसे बाहर भराया जाता है, ये भर लिया हम बाहर। इसको थोड़ा हम मोटर देंगे, देख लीजिए आप किसको ऐसे बाग भराना चाहता है उसको, उसका नाम कमेंट में मेंशन कर दीजिए।
ऐसे तरीके से भराना है और मोसार देना है क्योंकि उसका फाड़ रहा है। तो दोस्तों थोड़ा मोसार दिया, अभी थोड़ा रहने दीजिएगा। इसको दे ना एकदम नॉर्मल से 5 या 4 मिनट अच्छा से पकाना है, उसके बाद थोड़ा झोल देना। ए भैया इसका फैन निकल दिया हम, देखिए ये जो झोल है इसको हम एकदम थोड़ा थोड़ा झोल रखेंगे, इतना टाइट भी नहीं इतना नरम भी नहीं है। अभी ये झींगा और बास घुसाने के लिए रेडी है। ये देखिए आप लोग क्या मज़े का सब्जी हुआ है। और ये झींगा एक मछली है, देखिए ये घुस जाएगा, अभी घुसाने से मज़ा आएगा। कौन कौन घुसाना चाहते हैं कौन कौन घुसाना चाहते हैं और कमेंट में मेंशन कीजिए आपका बेस्ट फ्रेंड को ये बास उसको घुसाना है। तो दोस्तों शुरू हो रहा है अभी बास घुसाना। दोस्तों देखिए हम लोग बास खाएंगे आज, अपना आप बास घुसा रहा है। गॉड से देखिए इस बंदे को जितना भी गुस्सा है इसका मन नहीं घुटता है। खाने के टाइम शुरू करो यार, घुसाओ यार घुसाओ, कौन मना कर रहे हैं, घुसाओ। इसमें क्या बड़ा बात है, इतना उम्र हो गया है तो हर कोई घुसाते रहता है, तुम आज भी घुसा रहे थे यार। यार खा लो यार, यार घुसा ले यार, तू घुसा। नहीं से मजा कैसा हुआ बोलो? बहुत अच्छा सुपर यार। लेकिन एक बात साथ बोलना पड़ेगा, ये मजा हुआ है ना। यार कोई बास घुस लेना नहीं चाहता है, हम तो बोलो बोलता है कि और दो और दो। देखिए बास हम्म